बीते दिनों महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आए निसर्ग तूफान का कहर देखने को मिला था। इस तूफान ने मुंबई में भी कई जगहों पर ऐसी तबाही मचाई है कि लोग बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए तरस गए हैं। वहीं इस तूफान की वजह से सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली। हाल ही में सलमान के फार्म हाउस की कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई हैं, जिनमें फार्म हाउस पर तबाही का मंजर साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल हाल ही में सलमान के फार्म हाउस की तस्वीरें वहां पर ठहरी हुई उनकी दोस्त यूलिया वंतूर ने शेयर की हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें तूफान के पहले और बाद का साफ नज़ारा देखने को मिल रहा है। यूलिया वंतूर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें तेज़ हवाएं, ताबड़तोड़ बारिश, टूटे हुए पेड़ और तबाही के कई सबूत देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके साथ ही यूलिया ने तूफान गुजर जाने के बाद भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। उनके फार्म हाउस पर कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं। बता दें कि यूलिया वंतूर लॉकडाउन के दौरान सलमान के फार्म हाउस पर ही रुकी हैं। यहां पर वो जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की पूरी फैमिली के साथ रह रही हैं। सभी लोग मिलकर पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करते दिखे हैं। वहीं सलमान खान इस दौर में भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनके मनोरंजन का भी खासा ख्याल रख रहे हैं। अपने फार्म हाउस में बंद रहते हुए सलमान खान फैंस के लिए अब तक 3 गाने रिलीज कर चुके हैं। वहीं इस कोरोना काल में वो जरूरतमंदों की भी मदद कर रहे हैं।